हेलो फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड इशू किया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें ये आपके साथ शेयर किया है मैंने सर्कुलर सर्कुलर नंबर टेन बाई टू थाउजेंड सेवेंटीन जो कि इशू किया गया है जिसकी डेट है ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑर्डर अंडर सेक्शन वन वन नाइन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन सेक्शन फोटी फ़ोर ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन रीड विध रूल सिक्स जी ऑफ इनकम टैक्स रूल नाइनटीन सिक्सटी टू रिक्वायर स्पेसीफाइड परसन टू फर्निश द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एलोंग विद प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर इन फॉर्म थ्री सी टी तो हमारा सेक्शन फोर्टी फ़ोर ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है इन फॉर्म थ्री सी सेक्शन फोर्टी फोर में किन स्पेसिफाइड पर्सन को ये रिपोर्ट फर्निश करनी होती है एक बार मैं आपको ब्रीफ़ कर देती हूँ अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपका टर्नओवर ओवर वन करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इनफॉर्म थ्री सी अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये लिमिट फिफ्टी लाख है अब यहाँ पे बजट ट्वेंटी ट्वेंटी के थ्रू एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अमेंडमेंट की गई थी एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था कि ये जो बिज़नेस मैंस के लिए ये जो लिमिट है वन करोड़ की इसे मान लिया जाएगा फ़ाइव करोड़ यानी कि इसे एक्सटेंडिड कर दिया जाएगा फ़ाइव करोड़ तक लेकिन आपको कुछ शर्तें लगाई गई थी कुछ कंडीशंस यहाँ पे अटैच की गई थी कि ये टैक्स ऑडिट की लिमिट फ़ाइव करोड़ तब मानी जाएगी अगर आपकी टोटल पेमेंट्स आप जो भी पेमेंट करते हैं जो आप अपने पी एंड एल अकाउंट में पेमेंट साइड में दिखाते हैं अपने एक्सपेंसेस आपकी टोटल पेमेंट अगर पाँच परसेंट से ज़्यादा कैश में नहीं है और उसी तरीके से अगर आपकी टोटल रिसिप्ट अगर पाँच परसेंट से ज़्यादा कैश में नहीं है तो आपके लिए ये वन करोड़ की जो लिमिट है इसे पाँच करोड़ मान लिया जाएगा अदरवाइज आपके लिए वन करोड़ की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी तो पाँच करोड़ की कब होगी जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इससे रिलेटेड फुल वीडियो अपने चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है आप रेफरेंस के लिए उसे भी देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं

जो कि 20 अगस्त 2018 को आई थी हाव एवर द रिपोर्टिंग अंडर क्लोज थर्टी सी एंड क्लोज फोर्टी फोर ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वॉज कैप्टिन एबियन स्टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन वाइट सर्कुलर नंबर सिक्स बाई टू थाउजेंड एटीन तो एक सर्कुलर आया था सिक्स बाई टू थाउजेंड एटीन जिसमें कि जो फॉर्म थ्री सी है उसके अंदर क्लोज़ थर्टी सी एंड क्लोज़ फोर्टी फोर में जो रिपोर्टिंग आपको देनी होती है उसे रोका गया था इकतीस मार्च दो हज़ार उन्नीस तक और दोबारा फिर विच वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वाइट सर्कुलर नंबर नाइन बाई टू थाउजेंड नाइन्टीन तो फिर एक सर्कुलर आया था नाइन बाई टू थाउजेंड नाइनटीन जिसमें ये डेट इकत्तीस मार्च दो हज़ार उन्नीस से एक्सटेंड कर दी गई थी इकतीस तीन दो हज़ार बीस यानी कि फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस के लिए इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया था तो क्या थी ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक बार वो देख लेते हैं उसके बाद आगे हम सर्कुलर देखेंगे ये मैंने आपके सामने फॉर्म थ्री सी डी ओपन किया है और इसमें अगर मैं आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दिखाऊं जो क्लोज थर्टी सी की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी जिन्हें कैप्ट इन एबियंस रखा गया था थर्टी मार्च टू थाउजेंड के लिए तो 30 सी का ए पॉइंट में कहता है वेदर द एस एस सी एंडर्ड इन टू इम परमिशिबल अवॉयडेंस एग्रीमेंट एज रेफर्ड इन सेक्शन नाइन्टी सिक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या जो एस एस सी है वो किसी इम परमिसिबल अवॉयडेंस एग्रीमेंट जो सेक्शन नाइन्टी सिक्स में जो इम्परमिसिबल एग्रीमेंट्स हैं क्या आस एस सी ने उनमें एंटर किया है क्या आएस एस सी ने किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी थी अगर यस yes है तो नेचर ऑफ़ एग्रीमेंट आपको बताना था और कौन सा उसको टैक्स बेनिफिट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी थी उसके बाद बात करते हैं क्लोज़ फ़ोर्टी जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मानता है क्लोज़ फोटी बिल्कुल लास्ट में है क्लोज़ फ़ोटी जो कहता है ब्रेकअप ऑफ़ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज़ रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकअप देना था अपनी एक्सपेंडिचर का चाहे अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है रजिस्टर्ड तो आपको पूरा ब्रेकअप यहाँ पे देना था क्लोज़ फोर्टी फोर के अंदर

रिपोर्टिंग है ये जो है डिफ़िकल्टी आ रही है इनको करने में और इस डेट को दोबारा से डेफर किया जाए द मैटर हैज़ एग्जामिड एंड इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक्रोज द कंट्री इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई द बोर्ड दैट द रिपोर्टिंग अंडर क्लोज थर्टी एंड फोर्टी फोर ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शेल इन एबियां टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ध्यान में रखते हुए इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को ये देखा गया ये एग्जामिन किया गया मैटर बोर्ड के द्वारा और इस डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया है यानी कि इन क्लोजेस को अबियंस में रखा जाएगा इकतीस मार्च दो तक तो ये अब जो एप्लीकेबल होंगी रिपोर्टिंग ये कब से कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए इकतीस मार्च दो तक तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ की है इस वीडियो में शेयर आई होप ये आपके लिए हो रेलिवेंट बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करते रहिएगा इंपॉर्टेंट वीडियोस थैंक यू फॉर वाचिंग